दोस्तों नमस्कार। आशा है आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी अच्छे रहें। आप सभी को डॉक्टर अशोक राय का बहुत बहुत नमस्कार। आज का जो हमारा विषय है वो है बेहोशी, अनकॉन्शसनेस। अनकॉन्शसनेस बेहोशी के कई कारण हो सकते हैं, जैसे किसी भयानक दुर्घटना को देखकर आदमी का डर जाना, कोई दुखद समाचार या सदमा लगना, शरीर में पानी की कमी होना, झटके से उठना, तेज धूप में अधिक देर घूमते रहना इत्यादि। रोगी के अगर इस तरह से कोई घटना घटती है, रोगी बेहोश हो जाता है तो उसके आसपास से लोगों को हटा दें और उसके मुंह के ऊपर में हवा आने दें ताकि उसे कुछ राहत महसूस हो, और उसके चेहरे पर थोड़ी सी ठंडी पानी जो है छींटे मारें। कोशिश करें कि उसे कैम्फर अगर मदर टिंचर मिल जाता है क्योंकि प्रेगनेंसी में, तो उसे सुंघाने से बहुत ज़्यादा तक फायदा होता है। बेहोशी आने पर रोगी को चित्त लिटा दें। हर 5 मिनट पर उसके मुंह में मॉस्कस 30 या 12 की प्रेगनेंसी की दवा देते रहें। जब बेहोशी गुस्से के बाद या मानसिक कष्ट के कारण हो, कैमोमिला 200 दो बूंद आधे कप पानी में या डायरेक्ट उसके जीभ में डाल के देने से रोगी को काफ़ी हद तक जो है आराम मिलता है। भूख के कारण बेहोश हो जाना, ऐसे में सल्फर औषधि जो है बहुत ही कारगर सिद्ध होती है। सल्फर 30 की प्रेगनेंसी में अधिक खून बह जाने या उल्टी या दस्त हो जाने पर अगर रोगी बेहोश हो जाता है तो उसमें चाइना औषधि 30 या 200 की प्रेगनेंसी, 30 की प्रेगनेंसी है तो 4 बार 5 बार दें या 200 की प्रेगनेंसी है तो 2 बार देते रहें। लगातार जागने के कारण रोगी को कमजोरी आ जाती है और इसके कारण भी वो बेहोश हो सकता है। ऐसे में नक्स वोमिका 30 या 200 की प्रेगनेंसी 3-4 खुराक उसको दें। ठंड या बर्फ गिरने के कारण इसमें जो है कैम्फर मदर टिंचर कि कुछ बूंदे पानी में मिलाकर उसे 4 से 5 बार देते रहें। तेज दर्द या अचानक कोई खुशी होने के कारण अगर कोई आदमी बेहोश हो जाता है, अज्ञान हो जाता है, तो कॉफी और क्रूडा बहुत ही अच्छा कार्य करती है। जब अचानक भय के कारण रोग हो तो एकोनाइट 30 या फिर 12 की प्रेगनेंसी 4 से 5 बार दें, काफ़ी हद तक आराम मिलेगा। मानसिक दुख, प्यार में धोखा इत्यादि, कुछ बुरी खबर के कारण अगर रोगी बेहोश हो जाता है तो उसे इग्नेशिया 200 की प्रेगनेंसी या 1 mg की प्रेगनेंसी 3 से 4 खुराक दें। इतने में वो काफ़ी हद तक आराम मिलेगा उसे और वो हो सकता है उठ के बैठ भी जाए। पुरानी दुर्घटना आदि की याद आने से या डर जाने के कारण बेहोशी हो जाना, इसमें जो है ओपीएम औषधि बहुत ही लाभदायक होती है। ओपीएम औषधि की 200 की प्रेगनेंसी या 1 mg की प्रेगनेंसी 3 खुराक दें। मासिक धर्म के शुरू में बेहोशी आ जाए तो लाइकोपोडियम और म्यूरेक्स ये बड़ा अच्छा काम करती है। आशा है ये छोटा सा वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो कृपया इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें और हमारे साथ बने रहें। हम आपको इसी तरह के कुछ ज्ञानवर्धक वीडियो देते रहेंगे जो होम्योपैथी के बारे में होगी। और मैं एक चीज़ बोलना चाहता हूँ कि आप जो भी दवा लें, लेकिन होम्योपैथी जैसी कोई दूसरी अल्टरनेटिव चिकित्सा नहीं मिलेगी आपको। आशा है आप इसे पसंद करेंगे। जय हिंद, नमस्कार। लॉन्ग लिव होम्योपैथी, लॉन्ग लिव एनी मैन।